कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करने का बड़ा फैसला लिया है। ऑर्डर में कोरोना संबंधी रिस्क फैक्टर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। ऑर्डर में कहा गया है कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है, क्योंकि सिगरेट के सेवन में उंगलियां होठों के संपर्क में आती हैं और ये संक्रमण फैलाने का कारण हो सकता है। पूरे देश में जहां कोरोना वायरस के रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में पिछले दिनों अच्छा सुधार देखा गया। दिल्ली में रिकवरी रेट ऊपर होने के साथ नए मामलों में भी कमी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 805 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,55,331 हो गया है। इसी के साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी सोमवार को 12,00,000 के पार कर गया। अब तक 12,29,171 मरीज ठीक हो चुके हैं। अच्छी बात है कि रिकवरी रेट इस समय 66% पर है, मतलब हर 100 में से 66 लोग ठीक हो रहे हैं। 38,959 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 24 घंटे में 50,488 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। WHO ने सोमवार को चिताया कि वैक्सीन की मजबूत दावेदारी के बावजूद कोविड-19 का प्रभावकारी इलाज का रास्ता अभी दूर है। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा कि स्थिति अभी सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ वैक्सीन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले हैं, लेकिन शायद कोविड-19 के प्रभावी इलाज की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। दुनिया के हालात सामान्य होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। DBT यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग देश के 10 राज्यों में पाए गए 1,000 कोरोना वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग करके यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह देश में कहां से पहुंचा। यह पता चला कि 9 देशों से 5 किस्म के कोविड-19 वायरस देश में पाए गए हैं। विभाग ने अप्रैल में जीनोम सिक्वेंसिंग शुरू की थी, जो हाल ही में पूरी हुई। इसके अनुसार देश में 5 तरह के वायरस पाए गए हैं, जिनमें 19A, 19B, 20A, 20B तथा 20C के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से 19A/B वायरस चीन से भारत पहुंचे हैं, जबकि 20A/B तथा C ब्रिटेन, इटली तथा सऊदी अरब से आए हैं।